दिनों किसान कीमत को लेकर काफी परेशान है। इसी तारतम्य में SDM ऑफिस के सामने अन्नदाताओं ने सड़कों पर टमाटर फेंककर अपना विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि टमाटर 2 से 3 रुपए किलो बिक रहा है, जो उत्पादन लागत से काफी कम है, जबकि वही टमाटर बाजार में 15 से 20 रुपए किलो बेचा जा रहा है। फिलहाल किसानों ने अपना दर्द प्रशासन के सामने विरोध प्रकट कर जताया। राजधानी के हरमाड़ा थाना अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त कर 350 से ज्यादा शराब की पेटियां बरामद की है। वहीं 900 कार्टून में कीटनाशक दवाओं को भी बरामद किया है। इन बरामद सामानों की कीमत 50 लाख से ऊपर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले का जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध शराब का लिंक कहां कहां से है। राजस्थान के बालोतरा बाड़मेर में विशाल ब्राह्मण का सम्मेलन पुष्पांजलि मैदान में आयोजित किया गया। इस दौरान बड़े मठाधीश और धर्मगुरु उपस्थित रहे। सम्मेलन में ब्राह्मण हितों को ध्यान में रखते हुए एक होने की सलाह दी गई, तो वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संकल्प लिया गया। आयोजन में समाप्ति के बाद महाप्रसादी भोजन सभी को करवाया गया। राजस्थान के रावला मंडी खालसा कंपटीशन रनिंग मैच का भव्य शुभारंभ हुआ। इस दौरान पुरुष वर्ग में 1600 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर का दौड़ संपन्न कराया गया। पुरुष वर्ग दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम सोनू 1600 मीटर, जसविंदर 100 मीटर और हरवीर सिंह 200 मीटर रहे। वहीं महिला वर्ग में 800 मीटर और 100 मीटर दौड़ में वंदनाथ बिश्नोई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागी को खालसा एथलीट कंपटीशन के संदीप बिश्नोई ने बधाई दी और 1100 रुपए नगद पुरस्कार से विजेताओं को नवाजा गया। DD समाचार के खबर का असर हुआ है। जिले के मरवाही के सिवनी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक ग्रामीण को पिकअप से घसीट कर उसे बुरी तरह से मारा गया और अधमरा कर बीच रोड में अपराधी उसे छोड़कर चले गए। आरोपी पिकअप चालक फिलहाल गाड़ी सहित फरार है। इस मामले पर डीडी समाचार ने पहले खबर दिखाई थी, जिससे क्षेत्र के SDOP अभिषेक सिंह ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच प्रक्रिया शुरू की। फिलहाल गवाहों के बयान के आधार पर अपराधी की तलाश की जा रही है। मामले पर SDOP अभिषेक सिंह ने बताया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर गवाहों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के पोखरण पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1100 ग्राम अफीम का दूध सहित आरोपी को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि आरोपी जैसलमेर स्थित रोडवेज बस में सवार होकर बैग के माध्यम से अफीम का दूध ले जाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के साथ अफीम का दूध बरामद किया। इस मादक पदार्थ की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि तस्करी के इस खेल को रोका जा सके। यूपी के औरैया में सवारी बनकर वाहनों को बुक कराना और उसके बाद लूट के वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को पुलिस ने धर दबोचा है। मामले में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 लोगों ने रसूलाबाद जाने हेतु स्कॉर्पियो वाहन किराए पर लिया और बेला थाना क्षेत्र के रसूलाबाद मार्ग पर चालक को अर्धमूर्छित कर वाहन लेकर फरार हो गए। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पतासाजी शुरू की और गैंग के 2 आरोपी सहित स्कॉर्पियो वाहन को बरामद किया है। 27/4/18 को ये सूचना प्राप्त हुई कि वादी अभय प्रताप सिंह, ये निवासी कतरई थाना पचेवा जनपद इटावा, इन्होंने थाना बेला पे सूचना दिया कि इनकी गाड़ी जो है स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर UP 75 Z 8990 सफ़ेद रंग की, ये बुक करा करके जो है बकेवर इटावा से ले जाई गई। और इन्होंने ये मुकदमा ये कायम कराया कि ड्राइवर जो है इसने गायब कर दिया संभवतः, तो 406 आई टी सी का मुकदमा कायम किया गया इनके ड्राइवर के विरुद्ध। लेकिन जब ट्रक टीम हमारी लगी, मतलब थाना बेला की भी थी, स्वाट टीम भी थी और सर्विलांस की टीम थी, इन्होंने सर्विलांस वगैरह से और जो जो मुखिर थे इनके इनके सम्मिलित प्रयास से ये बात आई कि नहीं, 2-3 अभियुक्त, एक अभियुक्त भोरे उर्फ अभिलाख यादव, भूरे उर्फ अभिलाख यादव, ये ग्राम धर्मशाला थाना बकेवर जिला इटावा, दूसरा अभियुक्त रानू उर्फ कृष्ण कुमार, ये लोहिया नगर कस्बा व थाना बकेवर जिला इटावा, और तीसरा अभियुक्त लवली उर्फ मोहित यादव, ग्राम लढ़ैयापुरा थाना बकेवर जिला इटावा। इन 3 लोगों का नाम जो है, ये जानकारी में आया कि इन लोगों ने ड्राइवर को कुछ नशीला पदार्थ वगैरह खिला करके और ये जो है गाड़ी लेके जो है, और इन्होंने बुकिंग कराई थी और ये लेके चले गए। जिस नाम से बुकिंग कराई थी वो इनके असली नाम नहीं थे, तो उससे बुकिंग करा के ये जो है इस नाम से ले गए, पता लगाए। तो 2 अभियुक्तों को, भूरे और रानू को जो है दिनांक 6 तारीख को पकड़ लिया गया और इनसे वो गाड़ी जो लूटी गई थी स्कॉर्पियो गाड़ी वो बरामद हुई। इसको चूँकि गश्ती कराई जाएगी और गश्ती करा के ये पूरा
अन्य जनपदों में भी जो है अन्य जनपद वाले भी इससे पूछताछ करेंगे तो उससे ये चीज़ प्रकाश में आएगी कि इनका अन्य घटनाओं में हाथ है या नहीं। टाइम है इसके खिलाफ और उस अभियुक्त की तलाश की जा रही है जो भागा हुआ अभियुक्त है लवली उर्फ मोहित यादव को, और ये अच्छा काम किया इन लोगों ने, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना बेला की पुलिस के संयुक्त प्रयास से सफलता मिली है और इससे नो डाउट ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। टीम को हाँ, इस पुलिस टीम को हम जो है 20,000 रुपया जो है इसको हम इनाम की घोषणा करते हैं।